अब हम जो है पार्ट टू करने वाले हैं एंटी एंजाइनल ड्रग का। तो हमने पढ़ा कि एंजाइना के लिए हम जो है वेजो डायलेटर्स देते हैं, सही है, क्योंकि वेजो स्पाजम हो जाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो उसके लिए वेजो डायलेटर्स देते हैं। तो एक वेजो डायलेटर हमने नाइट्रेट दिया, जो हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, और नंबर टू क्या था, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, आपको पता है कैल्शियम जब इन्फ्लक्स होता है ब्लड वेसल में या हार्ट में, तो वो क्या करवाता है, कंट्रैक्शन करवाता है, ब्लड वेसल में भी कंट्रैक्शन करवाएगा और हार्ट में कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ करेगा, सही है। तो जाहिर सी बात है हार्ट ज़्यादा वर्क करेगा, सही, ज़्यादा वर्क करेगा, और वैसे भी आगे ब्लड वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्टेड होंगी, जाहिर सी बात है एक तो हार्ट को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ करना पड़ेगा, और दूसरा जो आर्टरी वेन्स या आर्टरीज हैं उनमें वेजो कंस्ट्रिक्शन है, तो ज़्यादा फोर्स से जो है ना उसे ब्लड भेजना पड़ेगा ब्लड वेसल्स के पास, सही है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड वहाँ पर बढ़ जाएगी। तो अनजाना में वैसे ही ऑक्सीजन कम आ रहा था, सही है, तो हमने और भी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा दी, तो फिर जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम होगी ना। तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देंगे ताकि कैल्शियम जाए ही ना, और ब्लड वेसल्स में जो है वेजो डायलेशन हो जाए और हार्ट में कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाए, ताकि वेजो डायलेशन होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई हार्ट के पास ज़्यादा है और कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। हार्ट में अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे तो कंट्रैक्टिलिटी कम होगी, कंट्रैक्टिलिटी कम होगी तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी, अब ऑक्सीजन कम यूज़ करेगा हार्ट। अच्छा, ये जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं जैसे कि आर्ट्रियोल्स या एओर्टा, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम देंगे तो फिर वेजो डायलेशन होगी ना। तो जाहिर सी बात है आपको हार्ट से, आपको पता है कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट किसके पास ब्लड भेजता है, एओर्टा के पास या आर्ट्रियोल्स के पास, सही है। तो एओर्टा में क्या हो जाएगी, वेजो डायलेशन हो जाएगी, तो हार्ट को जो है अब कम वर्क करना पड़ेगा, कम वर्क करना पड़ेगा कि एओर्टा में ब्लड जाए, तो ब्लड एओर्टा में कम फोर्स से जाएगा, जाहिर सी बात है फिर ऑक्सीजन की कंजप्शन भी कम होगी, ऑक्सीजन की कंजप्शन कम होगी तो आफ्टर लॉग डिक्रीज होगा, सही है। अब इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, तो इसमें दो टाइप्स की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, एक होते हैं डाईहाइड्रोपेरिडीन और दूसरे होते हैं नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन, सही है। अब डाईहाइड्रोपेरिडीन क्या करते हैं, वो कैल्शियम चैनल जो है ब्लॉक करते हैं सिर्फ ब्लड वेसल्स में, हार्ट में ये कैल्शियम चैनल ब्लॉक नहीं करते। और जो डाईहाइड्रोपेरिडीन होता है वो कहाँ पे, नॉन हाइड्रोपेरिडीन जो है वो ब्लड वेसल में भी कैल्शियम चैनल ब्लॉक करते हैं और हार्ट में भी ब्लॉक करते हैं, तो हमें दोनों जगहों पे चाहिए, क्योंकि अगर हार्ट सिर्फ ब्लड वेसल में जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे तो ब्लड वेसल में क्या हो जाएगी, वो वेजो डायलेशन हो जाएगी, तो वेजो डायलेशन होगी तो जाहिर सी बात है हाइपोटेंशन होगा, मतलब ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, और वेजो डायलेशन वेंस में ज़्यादा ब्लड चला जाएगा और हाइपोटेंशन हो जाएगी, सही, ब्लड प्रेशर कम, तो फिर वहाँ पे वेजो डायलेशन हो जाएगी, हाइपोटेंशन होगा तो हाइपोटेंशन होगा, तो जाहिर सी बात है बैरोरिसेप्टर होते हैं, बैरोरिसेप्टर देखेंगे कि भाई ब्लड प्रेशर बहुत कम हो चुका है, हाइपोटेंशन हो चुकी है, तो वो क्या करेगा, ब्रेन स्टेम के पास मैसेज भेजेगा, ब्रेन स्टेम के पास मैसेज भेजेगा कि ब्लड प्रेशर बहुत गिर चुका है, तो आप जो है नोरेपिनेफ्रिन रिलीज करवाएं, तो नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होगा, नोरेपिनेफ्रिन हार्ट पे एक्ट करेगा और टैकीकार्डिया करवाएगा, सही है। हार्ट वैसे भी ब्लड वेसल में वैसे भी वेजो डायलेशन थी और हार्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा फोर्स से जो है कंट्रैक्ट कर रहा था, तो हमने और ज़्यादा इसका प्रेशर बढ़ा दिया, क्योंकि हमने टैकीकार्डिया करवा दिया तो और ज़्यादा वर्क बढ़ा दिया हार्ट में, पहले से ही वो बेचारा इतना वर्क कर रहा था, ऑक्सीजन भी कम थी, तो उस हिसाब से क्या होगा, एंजाइना और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब डाईहाइड्रोपेरिडीन कौन सी ड्रग्स होती हैं, अब इसके दो टाइप्स, मतलब दो ड्रग्स हमारे बुक में मैंशन है, एक तो एम्लोडिपिन और निफिडिपिन, एम्लोडिपिन एंड निफिडिपिन। अब जो निफिडिपिन होती है वो शॉर्ट एक्टिंग होती है, मतलब थोड़े से वर्क के लिए, वक्त के लिए वर्क करती है, एम्लोडिपिन जो है वो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए वर्क करती है, पर जो शॉर्ट एक्टिंग जो होती है ना डाईहाइड्रोपेरिडीन, वो कंट्राइंडिकेटेड होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में जो है ना हाइपरटेंशन हो जाएगा, सही, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, टैकीकार्डिया हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है एंजाइना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो कंट्राइंडिकेटेड होनी चाहिए ना, तो उससे जैसे कंट्राइंडिकेटेड है ताकि उसकी डेथ ना हो जाए बंदे की। अब जो नॉन हाइड्रो डाईहाइड्रोपेरिडीन होती हैं उसमें कौन सी ड्रग्स हैं, वेरापामिल और डेल्टियाजाम, वेरापामिल और डेल्टियाजाम, सही, ये दोनों हमने बता दिए कि कैल्शियम चैनल ब्लॉक करते हैं ब्लड वेसल में भी और हार्ट में भी, हार्ट में ब्लड जो कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, कंट्रैक्टिलिटी कम होगी तो हार्ट रेट डिक्रीज होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगा कंट्रैक्शन कम होगी और ऑक्सीजन की कंजप्शन कम होगी, सही है। एक तो वेसल्स भी डायलेट हो रही हैं, ब्लड वेसल डायलेट हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है एओर्टा भी डायलेट हो रहा है, तो हार्ट को जो है कम फोर्स से ब्लड भेजना पड़ रहा है, सही है, तो वो ऑक्सीजन को भी कम यूज़ कर रहा है। एक तो एसोनॉट की जो है ना फायरिंग भी कम कर देगा जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, क्योंकि सोडियम एसोनॉट भी तो कैल्शियम यूज़ करता है ना, तो कैल्शियम हमारे पास होगा ही नहीं, तो एसोनॉट जो है कम रेट से फायर करेगा और हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा, कंट्रैक्टिलिटी भी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की कंजप्शन भी कम होगी। पर ये जो होता है ना नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन वो बहुत यूज़फुल है, पर हेपेटिक डिसफंक्शन वाले पेशेंट को हम नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है ना वहीं से ही एक्सक्रीट आउट होता है या मेटाबोलाइज होता है नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन, तो जाहिर सी बात हेपेटिक डिसफंक्शन होगा तो वो होगा ही नहीं, मेटाबोलाइज ही नहीं होगा, तो एक्युमुलेट हो जाएगा बॉडी में, तो ये तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी ना, तो उस हिसाब से। अब इसके एडवर्स
साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और गम में हाइपरट्रॉफी हो सकती है। उसके अलावा एडिमा, ये एडिमा का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि किसका एडवर्स इफेक्ट है, तो इनका एडवर्स इफेक्ट है किसका, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। अच्छा, एमलोडिपिन जो हमने पढ़ी, जो डायहाइड्रोपेरिडीन होती है, सही, वो लॉन्ग एक्टिंग है। तो एमलोडिपिन जो है ना वो प्रिंसमेटल एंजाइना में देते हैं। प्रिंसमेटल मैंने बताया पहले लेक्चर में कि प्रिंसमेटल जो होता है ना वो वेजोस्पास्टिक एंजाइना होते हैं, जिसमें जो है ना वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, वेजोस्पाजम हो जाते हैं, वेसल्स जो है ना थोड़ी सी कंस्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना हम वेजो डायलेटर्स यूज़ करते हैं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। तो एमलोडिपिन जो है प्रिंसमेटल एंजाइना में देते हैं और ऑरली देते हैं, सही है। और उसके बाद हम देते हैं बीटा ब्लॉकर्स, जैसे मैंने बताया कार्डियोडिप्रेसेंट्स होते हैं, एक तो वेजोडायलेटर्स। तो कार्डियोडिप्रेसेंट्स हमने कौन से पढ़े थे, बीटा ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ओपनर्स या सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स, अब बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हमें पता है कि जो हर्ट होता है उसके पास कौन से रिसेप्टर होते हैं, बीटा वन रिसेप्टर होते हैं। जो बीटा वन रिसेप्टर होते हैं तो वो अगर एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करवाते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवाते हैं, कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाते हैं, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करवाते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़वा ज़्यादा कर देते हैं मतलब। तो फिर क्या करेंगे, अगर बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे तो जाहिर सी बात है बीटा रिसेप्टर नहीं वर्क करेगा, तो हार्ट रेट भी डिक्रीज्ड होगा, कंट्रैक्टिलिटी भी कम होगी, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन की डिमांड भी कम होगी। हमारे पास ऑक्सीजन वैसे ही कम थी तो डिमांड भी कम होगी, तो बेहतर है ना। अच्छा, ये जो है ना कंट्रा इंडिकेटेड होती है वेजोस्पास्टिक एंजाइना में बीटा ब्लॉकर्स। सही, अब क्यों इसमें कंट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि आपको पता है बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं, बीटा जो रिसेप्टर होते हैं, बीटा वन मैंने बताया कि हर्ट में होते हैं, तो वो बीटा रिसेप्टर किडनी में भी होते हैं। जो बीटा टू होते हैं वो ब्रोंकियोल्स में होते हैं और स्केलेटल मसल में होते हैं, सही है। अब जो बीटा टू रिसेप्टर हैं ब्रोंकियोल्स और स्केलेटल मसल में, दोनों में क्या करवाते हैं, डायलेशन करवाते हैं, सही है। अगर सपोज करें वेजोस्पास्टिक एंजाइना है जिसमें पहले से ही वेजो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, सही है, अगर आप जो है ऊपर से उसे जो है ना बीटा ब्लॉकर दे दें, बीटा टू ब्लॉकर दे दें, सही है, सपोज करें, या नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दे दें जो बीटा वन पे भी वर्क करते हैं, बीटा टू पे भी वर्क करते हैं, सही है। तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स दे दिए तो फिर जाहिर सी बात है बीटा क्या करवाते हैं, डायलेशन करवा रहे थे। अब हमने इसे ही ब्लॉक कर दिया, बीटा टू को ही ब्लॉक कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगी, ब्रोंकियल्स में जो डायलेशन होनी थी वो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, स्केलेटन मसल वैसे ही वेजो कंस्ट्रक्शन थी तो और ज़्यादा वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, क्योंकि हमने बीटा ब्लॉकर दे दिया, सही, बीटा टू ब्लॉकर दे दिया। तो उस हिसाब से ना वेजोस्पास्टिक एंजाइना में हम कंट्राइंडिकेटेड मतलब कंट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि ये और ज़्यादा वेजो कंस्ट्रक्शन करवा देगा, सही। और ब्रेडिकार्डिया तो हमने बता दिया कि हार्ट रेट को वैसे ही डिक्रीज़ कर रहा है, तो पहले से ही हार्ट रेट अगर बंदे का डिक्रीज हो और हम डिक्रीज़ करें तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ ना। और अस्थमा सीओपीडी में मैंने बताया कि ब्रोंकियोल्स वैसे डायलेट करता है ना बीटा टू, तो हम बीटा टू ब्लॉकर ही दे देंगे तो फिर क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, कंस्ट्रिक्शन होगी तो बंदे की जो है ब्रीदिंग की में प्रॉब्लम हो सकता है ना, डेथ हो सकती है। अच्छा, जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ना तो हम कौन से जगहों पे यूज़ करते हैं, टिपिकल एटिपिकल एंजाइना, जो मैंने स्टेबल अनस्टेबल एंजाइना बताया वो हाइपरटेंशन, इसे एचटीएन कहते हैं ज़्यादातर, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, एरिथमियाज में, सही है। और दूसरे होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, तो सोडियम जाहिर सी बात है आपको पता है इन्फ्लक्स करता है, सही है, इन्फ्लक्स करता है, अंदर आता है पर कैल्शियम भी अंदर आता है, तो डीप पोलराइजेशन होती है, एक्शन पोटेंशियल होता है, कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा इंक्रीज होती है हार्ट की, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है, सही, सप्लाई जितनी कम है वैसे ही सप्लाई कम है और ज़्यादा हार्ट जो है ना ऑक्सीजन मांग रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है तो हमें डीप पोलराइजेशन अब नहीं चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स दे देंगे ताकि सोडियम ना आए, कैल्शियम भी ना आए अंदर, तो फिर जो है कंट्रैक्शन भी कम हो और डायस्ट्रोलिक फंक्शन भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि रिलैक्सेशन हो जाती है तो डायस्ट्रोल के दौरान ब्लड ज़्यादा आता है हार्ट में तो बेहतर तरीके से। तो इसमें जो ड्रग होती है वो कौन सी होती है, रेनोलाजीन, सही है। अब ये जो है ना ये ज़्यादातर किस में यूज़ होती है, क्रॉनिक ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना के लिए यूज़ होती है, सही है। अब इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो एंटी एंजाइनल भी होते हैं और एंटी एरिदमिक भी होते हैं, सही है। अब इसके लिए ये बात थी कि क्यूटी इंटरवल को इंक्रीज़ करता है, आपको पता होगा ना ईसीजी में क्यू बी क्यू हमारे पास होती हैं, कौन सी बी क्यू आर एस टी वेव्स होती हैं, तो क्यू और टी में इंटरवल जो होता है उसे ये प्रोलॉन्ग करती हैं, तो ऐसी ड्रग हम ना दें जो पहले से ही क्यूटी इंटरवल को बढ़ा रही हैं, और हम सोडियम चैनल ब्लॉकर भी साथ दे दें तो फिर क्यूटी इंटरवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस वजह से ना ऐसी ड्रग्स में मतलब साथ ना दें, हम ये कमीशन ना करें। और कैल्शियम चैनल ओपनर्स सारी चीज़ बताए, हाइपर पोलराइजेशन होगी तो पोटेशियम बाहर जाएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा तो अंदर जो मेम्ब्रेन में नेगेटिविटी बढ़ेगी, तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है वो कंट्रैक्शन नहीं होगी हार्ट की, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कंट्रैक्शन नहीं होगी, कंट्रैक्शन नहीं होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम रहेगी, हमें ऑक्सीजन इतनी नहीं चाहिए होगी। तो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर, तो आप बुक से पढ़ेंगे लिपिन कोड से तो इजीली समझ आ जाएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यू मे। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड कमेंट, थैंक यू सो मच।